ठीक है, कर दीजिए स्टार्ट। नमस्कार साथियों, कल क्लॉक की सेकंड वीडियो में आज आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। मैं भारत सरकार रीजनिंग फैकल्टी सिलेक्शन अड्डा कोचिंग से। तो आज हम आगे बढ़ेंगे क्लॉक, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। लास्ट टर्म पे जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको घंटे और मिनट के बीच की संख्याओं का कोण निकालना आपको बताया था, आज मैं उससे आगे बढ़ूंगा और नए कॉन्सेप्ट कि एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री यानी 90 डिग्री यानी समकोण, एक सरल रेखा और एक विपरीत के अकॉर्डिंग पे अपने सारे प्रश्नों को लेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ अपनी लास्ट क्लास का, जिसमें मैंने क्लॉक का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 30x डिफरेंस 11/2m। सबसे पहले तो इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बहुत देखे गए हैं कि घंटे और मिनट के बीच का कोण निकालने के। तो एक बार बहुत ध्यान से फिर से देख लेंगे कि ये क्या था हमारा कोण था, ठीक है, ये वाला क्या था हमारा आर था यानी घंटा, घंटे जो भी हमारा होता है, और एम क्या था हमारा मिनट। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है फॉर्मूला सभी को। और दिस इज कॉल्ड डिफरेंस साइन, यानी जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को लेस कर देंगे। तो थीटा इक्वल टू 30x डिफरेंस 11/2m का फॉर्मूला है, सिंपल सा किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हो, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया। तो कोई रिवीजन से ये आपको याद भी हो जाना चाहिए, याद हो चुका है, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, कोई भी आप कोण आप निकाल देंगे, ठीक है। जैसे 5 20 दिया हो, 5 22 दिया हो, आप 5 लगाएं यहाँ पे, 22 लगाएं यहाँ पे, थीटा निकाल, वो एंगल होगा। दो एंगल निकालते हैं तो 3 से 7 में से माइनस कर, ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट लिखिए सब लोग, देखिए एक दिन में कितनी बार, क्वेश्चन है एक दिन में कितनी बार घंटे बा मिनट की स्विंग, घंटे बा मिनट की स्विंग एक के ऊपर एक या 0 डिग्री बनाती है। एक दिन में कितने बार घंटे बा मिनट की स्विंग 0 डिग्री या एक के ऊपर एक या एक ही दिशा में होती है। तीनों चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक के ऊपर एक भी पूछा जा सकता है, एक ही दिशा में भी पूछा जा सकता है, और 0 डिग्री भी पूछा जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान से अगर आप देखें क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए 44, 22, 24 9 ऑफ बीच, दिस इज योर ऑप्शन। तो हमने क्वेश्चन आपसे कहा कि घंटे व मिनट के बीच की संख्या एक के ऊपर एक या एक ही दिशा या 0 डिग्री है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया कि दोनों संख्या एक के ऊपर एक ऐसे हैं, इसका मतलब यही हो गया कि एक ही दिशा में है, ठीक है, या फिर 0 डिग्री है। तो अब जरा इसको समझना है कि ऐसा कितनी बार होगा। तो देखिए बच्चों, 90 डिग्री के छोटे जितने भी एंगल हैं वो हर बार क्लॉक में दो बार बनते हैं, कितनी बार, दो। और 90 से ऊपर वाले जितने एंगल होते हैं वो कितनी बार बनते हैं, एक बार बनते हैं। 180 डिग्री भी एक बार बनेगा 90 से ऊपर जितने भी होंगे। और एक जो 0 डिग्री है वो भी हर घंटे में कितनी बार बनता है बेटा, एक बार बनता है। इसका मतलब क्या है कि हर घंटे में एक बार घंटे व मिनट की संख्या एक के ऊपर एक आती है, यानी 0 डिग्री बनाती है। तो अगर हम देखा जाए 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में ऐसा 24 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक ऐसा टाइम भी आता है जिस घंटे के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं होता। कौन सा टाइम होता है, तो बहुत ध्यान से देखिए कौन सा टाइम होता है। सबसे पहले मैं देखता हूँ एक से दो के बीच, हर घंटे अगर मैं देखूँ तो इसमें हर घंटे एक एक बार बनेगा बेटा, दो से तीन देख लो हर घंटे एक एक बार। लेकिन 12 से 1, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच केवल 12 बजे ही बनता है। अगर आप कहें कि 11:59 में बनता है तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, लेकिन 0 नहीं बनेगा, यानी एक ही दिशा का मतलब तो एक के ऊपर एक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12 बजे 11 से 12 के बीच में 12 बजे या 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे वाला टाइम कॉमन होता है। कौन सा टाइम कॉमन होता है बच्चों, 12 बजे वाला, यानी इसका मतलब इन दो घंटों में केवल एक ही बार बनेगा।
बाकी सब में एक एक बार बन रहा है, लेकिन इन 2 घंटों में 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल 12 बजे ही बनता है। तो क्लियर सी बात है, जब वो 12 बजे बनता है इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही बार हुआ। तो अगर मैं टोटल देखूँ 12 घंटों में ऐसा कितनी बार हो जाएगा बताइए, 11 बार। बहुत बढ़िया, हर घंटे बना लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल एक ही बार बना, तो इसका मतलब 12 कॉमन। ये ब्रैकेट में आप सभी लोग लिख लीजिएगा कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 12 कॉमन है, और 12 कॉमन होने की वजह से 12 घंटों में ऐसा कितनी बार हुआ, 11 बार। और जब ये 12 घंटों में 11 बार हुआ तो अगले फिर से 12 घंटे आएंगे जिसमें ऐसा फिर होगा, और इसमें वो कितनी बार बनेगा, 11 बार। तो अगर मैं देखूं एक दिन की बात करता हूं तो 24 घंटों में ऐसा फिर कितनी बार हो गया बच्चों, 22 बार हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है घड़ी से कि एक दिन में कितनी बार घंटे बार मिनट की संख्या 0 डिग्री बनाती हैं। तो आपका अभी उत्तर आ चुका है कि एक दिन में ऐसा 22 बार आंसर हो गया हमारा 20। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कौन से टाइम पे नहीं होता है, ये भी चीज़ मैंने बता दी है, 11 से 12, 12 से 1 के बीच में 12 बजे ही होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि किस टाइम ऐसा कौन सा टाइम होता है, ये 2 घंटे का क्या होता है। एक प्रश्न और लिखिए सब लोग। तो क्वेश्चन है हमारा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 8 और 3 बजे के बीच कितनी बार घंटे और मिनट की संख्या 0 डिग्री का कोण बनाए। टाइम है 8, चाहे एएम ले लो चाहे पीएम ले लो, 8 से 3 पीएम ले लो, एएम पीएम जरूर ध्यान रखिएगा, जो हो सकता है कि दोनों एएम हो जाए दोनों पीएम हो जाए। एएम का मतलब हमारा पूर्वाह्न और पीएम का मतलब अपराह्न, यानी दोपहर के 3 बज रहे हैं और सुबह के 8 बज रहे हैं, इसके बीच में कितनी बार 0 डिग्री का कोण घंटे व मिनट की संख्या बनाएंगी, यानी इस बीच वो कितनी बार एक के ऊपर एक होंगी या वो कितनी बार एक ही दिशा में होंगी। तीनों प्रश्न एक ही हैं, तो जरा बताइए बेटा कितनी बार होंगी, बच्चों कमेंट कीजिए और ध्यान से इसका आंसर आप बताएं। देखें 8 बजे से 3 बजे के बीच में वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस ध्यान रखना है। बताइए 5 बार, और कोई आंसर? अच्छा देखो 8 से 9 मैं प्रॉपर लिखता हूँ, 8 से 9 के बीच में एक बार होगा, 9 से 10 एक बार, 10 से 11 एक बार, 11 से 12 एक बार, 12 से 1 तो होगा नहीं, तो 12 से 1 में वही कॉमन हो गया तो वो यही दोनों का एक ही हो गया, 1 से 2 एक बार, 2 से 3 एक बार, 2 से 3 जीरो डिग्री तो एक ही बार बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, ये 6 बार। 8 से 3 के बीच 6 बार घंटे व मिनट की संख्या एक के ऊपर एक होंगी। बस टाइम स्लॉट ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस टाइम से पूछा जा रहा है, कभी कभी वो 12 से पूछ लेते हैं, कभी 12:30 से पूछ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा 12:30 वगैरह से वो पूछेंगे तो मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कि किस टाइम बनता है, तो वो भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि उससे अगर आपको चेक करना है कि 12:30 और उसके पहले बना या नहीं बना, तो पहली बात तो 11 से 1 के बीच में 12 बजे ही बनेगा, चाहे 12:30 दे दें चाहे कुछ दे दें, लेकिन अगर 1:30 बजे वगैरह देते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि इससे पहले बना है या नहीं बना। पहले अभी आप ये समझिए, तो ये समझ में आया होगा कि ऐसा 8 बजे से 3 बजे के बीच में कितनी बार होगा, 6 बार। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमने तो 0 डिग्री की बात करी, अब हम इसी के साथ बात करेंगे 180 डिग्री का या विपरीत का। तो प्रश्न लिखिए, एक दिन में कितनी बार घंटे व मिनट की संख्या 180 डिग्री
या 180 डिग्री का कोण बनाती है, बर्फ का विपरीत दिशा में, या 180 डिग्री का कोण बनाती। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि या तो विपरीत दिशा ऐसे बिल्कुल 180 का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट होगा, सही है। विपरीत दिशा का भी मतलब यही होता है, अगर ये उत्तर है तो, अगर ये ऊपर है तो ये ऐसे या ऐसे, कैसे भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड ऑन अपोजिट डायरेक्शन। बात क्लियर है? तो ऑप्शन मैं फिर से दे देता हूँ, ऑप्शन है 44, 22, 24, 28 या 89। इसमें भी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है सभी को, तो जरा ध्यान दें और क्या आंसर आएगा कोशिश करके। 180 डिग्री, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि 90 से छोटे एंगल 2 बार बनते हैं, 90 से बड़े एंगल 1 बार बनते हैं, 180 डिग्री भी एक ही बार बनता है हर घंटे। तो अगर मैं बात करूं हर घंटे एक बार बनेगा तो 12 से 8 में भी एक बार, 1 से 2 में भी एक बार, सब में एक 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 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब वो 180 डिग्री का कोण एक एक बार बनेगा तो फिर से वही चीज आती है कि 24 घंटों में 24 बार होना चाहिए, लेकिन वो 24 घंटों में 24 बार नहीं होता, ये भी 22 बार बनेगा, क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 6 बजे वाला समय होता है कॉमन। कौन सा समय बच्चों कॉमन है? 6 बजे का। 6 बजे तो ऑलरेडी 180 बनता ही बनता है, इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो 5 से 6 की बात करते हैं और 6 से 7 की बात करते हैं, तो 6 बजे वाला समय होता है हमारा कॉमन, ठीक है। तो जब 6 बजे वाला कॉमन हो गया तो 5 से 7 के बीच में ऐसा कितनी बार हो गया? एक बार, सही है। तो हर घंटे वही एक बार होना है, लेकिन इन 2 घंटों में फिर से वही एक बार होगा। तो अगर हम देखें 12 घंटों में ऐसा कितनी बार हो गया? 11 बार, सही है। अगले फिर 12 घंटों में ये कितनी बार हो जाएगा? 11 बार। तो फिर से वही चीज आ गई कि 24 घंटों में ऐसा भी फिर कितनी बार हो जाएगा? और अगर आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा समय होता है, तो देखो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में, अगर हमसे कहें 5 और 6 के बीच में, 6 बजे, 6 बजे ऑलरेडी बनना ही बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते, क्लियर हो गई बात। एक क्वेश्चन लिखिए, दोपहर के 12 बजे से रात्रि 11 बजे तक कितनी बार घंटे व मिनट की संज्ञा परस्पर विपरीत दिशा में होंगी? ऑप्शन लिखिए, 9, 8, 7, 10, नन ऑफ दी। हम लोग ट्राई करिए इस प्रश्न को, 9, 8, 7, 10, नन ऑफ दी। कितनी बार हमें बताना है 180 डिग्री यानी विपरीत दिशा में, और समय दे दिया है। समय क्या दिया है? कितना समय दिया है बताइए, जब 12 बजे से रात्रि 12 PM से शुरू कर, कितना आ रहा है बताइए? रात्रि 11 बजे तक की बात हो रही है, बारह पी एम से 11 PM की बात, 10 बार। तो बच्चों देखिए, 12 PM से 11 PM की बात हो रही है, तो देखिए हर घंटे एक एक बार होगा ऐसा, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में एक ही बार होगा, 7 से 8 एक बार, 8 से 9 एक बार, 9 से 10 एक बार, 10 से 11 एक बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ऐसा कितनी बार हो जाएगा? 10। इतना इजी है कॉन्सेप्ट, आप आराम से आप इसको देख सकते हैं। बस टाइम का ध्यान रखिएगा कि किस टाइम ऐसा
एक बार में होगा तो वो टाइम याद रखिए 5 से 7 के बीच में, 6 बजे वाला कॉमन होता है 180 डिग्री में, और 0 डिग्री में 11 से 1 के बीच में 12 वाला टाइम कॉमन, सही है? समझ में आ चुका होगा बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 0 डिग्री क्लियर हो गया, 180 क्लियर। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, एक दिन में कितनी बार, एक दिन में कितनी बार घंटे व मिनट की सुइयां, घंटे व मिनट की सुइयां एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा या एक सरल रेखा में होती, या एक सरल रेखा में होती, एक दिन में कितनी बार घंटे व मिनट की संख्या एक सीधी रेखा या एक सरल रेखा में होती। ऑप्शन 44, 48, 42, 46, 9। तो क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घंटे व मिनट की सुइयां एक सीधी रेखा या सरल रेखा में होती है। कुछ अंतर समझ में आया इस प्रश्न में बच्चों? दोनों का थोड़ा सा अंतर है। मैंने पहले वाला जो प्रश्न दिया था उसमें कहा था एक दिशा में, तो एक दिशा में और एक सीधी रेखा में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है बताइए? घंटे का नहीं होता। जैसे देखो, एक सीधी रेखा ये भी है, और अगर मैं यहाँ से एक सीधी रेखा नीचे भी बढ़ा दूँ तो वो भी सीधी रेखा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें तो वो एक सरल रेखा है। वो क्या है बेटा? सरल सीधी रेखा का मतलब अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यानी आपको 0 भी देखना होगा और 180 भी देखना होगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। और अगर एक ही दिशा बोलते, क्या बोलते, एक ही दिशा, तो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सुइयां एक ही दिशा में है यानी 0 डिग्री है। लेकिन अगर एक सरल रेखा में है तो वो 0 में भी सरल रेखा होती है और 180 में भी सरल रेखा होती है। सरल रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन, 0 पे भी वही बनना है और 180 पे भी सरल रेखा। समझ में आ गई बात? तो ये अब कॉम्बिनेशन हो चुका है 0 और 180 का। तो आप सभी को पता ही है 12 घंटों में, 24 घंटों में 0 बनता है 22 बार, यानी 12 में 11 बार, और 24 घंटे में 180 भी बनता है कितनी बार, 22 बार। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 24 घंटों में ऐसा कितनी बार हो जाएगा, 14। 48 नहीं करेंगे क्योंकि 24 घंटे एक ही है ना, इसलिए तो पहले ही है। तो 24 घंटों में ऐसा कितनी बार होगा बेटा, 44 बार होगा। यानी आंसर आपका आ चुका है, आंसर होगा 44। तीनों प्रश्न आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, 0 डिग्री, 180 डिग्री और एक सीधी रेखा या एक सरल रेखा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे, 0 हो गया, 180 हो गया और एक सरल रेखा हो गई 90 डिग्री। तो लिखिए अगला प्रश्न है, एक दिन में कितनी बार, एक दिन में कितनी बार घंटे व मिनट के बीच की संख्या परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते,
ऑप्शन 44 बार, 48 बार, 46 बार और 45। 90 डिग्री की बात करेंगे आप हम, जरा देखिए। बताइए, ट्राई करिए बच्चों, सब लोग कैसे करेंगे। 90 का मतलब होता है समकोण। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है परस्पर लंबवत हो सकती है, समकोण हो सकती है, 90 डिग्री का कोण हो सकता है। तो ये तो भाई समझ में आता है कि 90 डिग्री का मतलब है समकोण। तो देखो, हर घंटे में ऐसा कितनी बार होता है बेटा? 2 बार होता है, 2 बार परस्पर 90 डिग्री का कोण बनता है हर घंटे में। अब आप कहेंगे कितने बजे बनता है, तो मैं अगला कॉन्सेप्ट वही बताने वाला हूँ आपको कि कितने बजे वो बनेगा। लेकिन अभी आप बस ये समझिए कि 2 बार ऐसा होता है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आता है जिसके अब ऑलरेडी बनता है। जैसे अभी मैंने 6 की बात करी थी, 6 बजे 180 बन रहा था, 12 बजे 0 बजे बन रहा था। ऐसा 90 जो होगा वो 2 बार होता है। ऐसा कितने बजे होता है? 2 बजे 90 डिग्री बनता है। 2 बार नहीं, मतलब कितने बजे 90 डिग्री ऑलरेडी बनता है। तो ऐसा टाइम होता है जो आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो देखो बेटा, 3 बजे, 3 बजे का दोपहर का या रात का, तो यदि 3 बजता है तो जब घंटे और मिनट की संख्या परस्पर 90 डिग्री के कोण पर। सेम ऐसा होता है 9 बजे भी। तो देखो 2 बार हो गया ना ऐसा। तो अब बस यही चीज है। तो अगर हम शुरू करें फिर से 12 से 1 से, तो हर घंटे ही ऐसा 2-2 बार होता है, 1 से 2 में भी। अगर 2 से 3 की बात करें और 3 से 4 की बात करें, तो ऐसा इन 2 घंटों में केवल 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 3 बार होगा। क्यों होगा? सुनो, देखो 2 से 3 के बीच में एक टाइम तो एक होगा 2 और 3 के बीच में कोई भी, और एक दूसरा जो टाइम होगा वो 3 बजे होगा। ठीक है, 2 तो ये होगा, 3 से 4 के बीच में भी एक 2 टाइम 3 बजे वाला कॉमन होगा। सही है। और अगला जो टाइम होगा 3:32 सही 8:11 होगा, जो मैं अभी आपको निकलवाऊंगा। तो अगर हम देखें तो 2 से 4 के बीच में ऐसा कितनी बार हो गया? कितनी बार हुआ सचिन? 3 बार। बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से बताता है। देखो 2 से 3 की बात करते हैं, 2 बार बनेगा। एक तो बनेगा 2:00 समथिंग कुछ मिनट को, जो अभी मैं निकलवाऊंगा, 2:20 समथिंग कुछ टाइम होता है। एक बनेगा पूरा 3 बजे, 3 से 4 के बीच में एक तो 3 बजे वाला ही हो गया, और एक होगा 3:32 का ही 8:11। तो अब काउंट करो, 1, 2, ये तो कॉमन है, 3, 3 बार ही तो हुआ ऐसा। 2 से 3 के बीच में ऐसा कितनी बार हो गया? 2 से 4 के बीच में 3 बार, बाकी सब में 2-2 बार ही होगा। यानी देखा जाए तो 12 घंटों में बस एक कम हो रहा है, बाकी सब तो, यानी 12 दुनी 24, यानी कितने कम हो गए हमारे? 12 दुनी 1 तो वो कम हुआ, और एक ऑलरेडी वाला है। 12 से 3 में जाएंगे तो कितनी बार हुआ? 12 घंटों में ऐसा 22 बार हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 12 घंटों में ऐसा हमारा कितनी बार हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। तो अगले 12 घंटों में फिर कितना होगा? ये 22 बार, यानी कितना हो गया ये टोटल? 24 घंटों में ऐसा कितनी बार हो जाएगा? 24। बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए इसको, तो अपन लिख लीजिए। तो 12 घंटों में ऐसा हमारा होता है 22 बार। इस चीज से आपको ये प्रॉपर क्लियर हो चुका होगा। हर घंटे ऐसा 2 बार होता है, लेकिन 2 से 4 के बीच में ऐसा केवल 3 बार होता है, जिस वजह से 1 घंटा उसमें कम हो गया। तो हमारा प्रॉपरली आंसर आता 12 घंटों में 22 बार होता है हमारा 90 डिग्री। तो अगले 12 घंटों में भी 22 बार होगा, यानी 24 घंटों में ऐसा 44 बार। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है और आगे क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 आया है, 4 से 5 में भी 2 बार, 5 से 6 में भी 2 बार, 6 से 7 में भी 2 बार, ठीक है, 7 से 8 में भी 2 बार, लेकिन 8 से 10 में कितनी बार? 3 बार। वही चीज़ हो गई ना, देखिए 2 से 4 में 3 बार, 8 से 10 में 3 बार। ठीक है, तो यही 2 कम हो गए 12 घंटों में। तो अगर हम देखें तो 12 घंटों में ऐसा कितनी बार? 2 बार हमारा इसमें कम हो गया,
तो 12 घंटों में 24 की जगह दो काम कर दीजिए, 12 घंटों में कितना हुआ फिर, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 22। समझ में ये बात आई हो? ठीक है, तो 24 घंटों में ऐसा कितनी बार हो जाएगा, हमारा आंसर आ चुका है, आंसर होगा 44। याद हो गया होगा आप सबको, याद कर लीजिए आप बिल्कुल कि 0 डिग्री, अब क्योंकि अब निकालना नहीं है, अब आपको याद रखना है मेरा लेक्चर लेने के बाद कि 0 डिग्री कितनी बार बनता है। एक दिन की बात करेंगे तो 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 22 बार। 180 डिग्री कितनी बार बनता है, 22 बार। बॉक्स बना लीजिए उसको, याद रखिएगा, बॉक्स बना लेंगे तो एकदम नजर उसी पे पड़ेगी। और अगर एक सरल रेखा की बात करें तो वो एक दिन में कितनी बार होगा, 44 बार। है वही कॉन्सेप्ट, 22-44 वाला गेम है, बस ये याद रखिए 22-44। और अगर टाइम स्लॉट दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये रटना नहीं है, तो 22-44। और 90 डिग्री कितनी बार बनता है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते, ये हो गए हमारे कॉन्सेप्ट की कितनी बार 90 डिग्री बनता है, कितनी बार हमारा 180 डिग्री बनता है और 0 डिग्री बनता है। अच्छे से समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है आपको। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको किस टाइम वो बनेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस टाइम 90 डिग्री बनेगा, किस टाइम 180 डिग्री बनेगा और किस टाइम 0 डिग्री बनेगा। इसी के साथ आज की जो है अपना क्लॉक का इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में आपको मैं यही सारे कॉन्सेप्ट फिर से बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। लक्ष्मण अड्डा का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।